गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं। The length of the train and platform are equal if speed of train is 90 kilometer per hour and it crosses a platform in 1 minute, find length of platform. ट्रेन की लेंथ है मेटीरियल चलो बताओ। चलो बताओ क्या होगा। ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे हैं 1 मिनट में। ट्रेन का स्पीड दिया है 90 और लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन आर इक्वल होगा। वन ट्वेंटी फाइव नहीं है। वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड भी नहीं है। लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म पूछा है। प्लेटफॉर्म 45 भी नहीं है। 750 सही है। वेरी गुड श्रुति सही है।
750 सही है। चलो बताओ बहुत इजी है। देखो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म मीटर में चाहिए, ये चाहिए मीटर। अभी करो मीटर में पूछा है तो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए स्पीड, टाइम होना चाहिए इसमें आएगा सेकंड में। लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म आर इक्वल, पहली तो मतलब दोनों इक्वल है तो दोनों को मान लो x या तो l मान लो। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस में क्या क्या इंक्लूड होगा, अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन का लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ दोनों अगर सेम है तो दोनों का आएगा यहाँ पे डायरेक्टली एडिशन, x प्लस x मान लो इसे, दोनों का एडिशन होगा इक्वल्स टू। स्पीड कितना है 90 है, लेकिन स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में है और हमें मीटर में चाहिए तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इनटू 5/18 करोगे तो ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में, क्योंकि जो लेंथ है हमें वो मीटर में चाहिए। इनटू टाइम, टाइम क्या दिया है, इट क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट बोला है और मीटर पर सेकंड में है तो सेकंड में चाहिए टाइम, तो यहाँ पे 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना सेकंड आएगा, 60। तो यहाँ पे डायरेक्टली 60 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड कर दो 5, 6 × 5 300 हो गया, ये 60 × 5 300 × 5 1500 हो गया, लेकिन ये 2x का वैल्यू होगा 1500, हमें तो x का वैल्यू चाहिए तो 1500 डिवाइडेड बाय 2 करोगे कितना आएगा 750 मीटर, और दोनों का लेंथ सेम है तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म का पूछा तो प्लेटफॉर्म का भी 750 आएगा, ट्रेन का पूछेंगे तो ट्रेन का भी 750 आएगा, दोनों का एडिशन कितना था 1500, तो आंसर क्या हो जाएगा 750 मीटर। 750 आ गया, आ गया, सही है, सही है। मैम हाँ बोलो मैम, वो 60 किधर से है, वो इनटू 60 1 मिनट को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे ना। ओके ओके थैंक यू। देखो मिनट तो कभी डायरेक्टली नहीं आएगा, जैसा क्वेश्चन है वैसा करना पड़ेगा। अगर मिनट को आर में कन्वर्ट करो या तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, तो अगर यहाँ पे मीटर में चाहिए तो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे आर होता तो आर में कन्वर्ट करना पड़ता 1 मिनट, मतलब 1/60। दोनों भी लेंथ में दिया तो x प्लस x ही लेंगे ना। हाँ x प्लस x ले लो, वही होगा ना, दोनों सेम है तो कुछ भी मान लो, तो दोनों का एडिशन 2x हो जाएगा। मैम हाँ बोलो, इधर मीटर में नहीं दिया रहेगा इसका निकालना है तो समझेगा कैसा, मतलब देते ही है क्या हर क्वेश्चन में, ऑप्शन में होगा फिर ऑप्शन में, मतलब और देखो मीटर में अगर नहीं दिया होगा तो ऑप्शन में होगा, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो, और अगर क्वेश्चन में भी नहीं दिया है तो भी प्लेटफॉर्म का लेंथ जो भी होता है और ट्रेन का लेंथ होता है वो हमेशा मीटर में ही आता है, किलोमीटर में नहीं आता है, मीटर में ही आएगा, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं होता, मीटर में ही आता है, ठीक है। तो दोनों का मीटर में ही निकालना पड़ेगा वैसे भी, और वैसे भी आपको दे देंगे वो, ऐसा नहीं है नहीं देंगे, क्योंकि जो आपका ऑप्शन होगा वहां पे भी मीटर लिखा होगा।
हो गया मैम। हो गया। A train of 320 meter long crosses a platform in 24 seconds at a speed of 120 kilometer per hour, while a man cross same platform in 4 minutes. What is speed of a man in meter per second? हाँ पता नहीं 120 देखना पड़ेगा। चलो ठीक है। टू आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। मैम टू आ रहा है। ठीक है मीटर आंसर पता नहीं। देख चलो देखते हैं। टू है ना मीटर पर सेकंड। ट्वेंटी आ रहा है। मैम टू मीटर पर सेकेंड। टू आ रहा है आपका। ठीक है मैम। टू मिनट पर सेकंड है। टू मिनट पर सेकंड। मिनट मीटर पर सेकंड। कोई मीटर मीटर। हाँ ठीक है।
चलो सब बताओ। बाकी सब बताओ। ट्रेन पहले प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, लेकिन ट्रेन का लेंथ तो दिया है, टाइम भी दिया है, स्पीड भी दिया है, तो क्या मिलेगा उसको? प्लेटफॉर्म का लेंथ मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म का लेंथ मिल गया तो वही सेम प्लेटफॉर्म को मैन क्रॉस कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ पता है, मैन का तो कोई लेंथ नहीं होगा, तो तब जो डिस्टेंस होगा वो तो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस होगा, वही हमारा नॉर्मल डिस्टेंस हो जाएगा। और उसका जो क्रॉस करता है वो टाइम दिया है तो स्पीड मिल जाएगा मैन का, वैसे ही करना है। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ट्रेन क्रॉस कर रही प्लेटफॉर्म को, तो पहले ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों का आएगा लेंथ, मतलब यहाँ पे आएगा 320, प्लेटफॉर्म का लेंथ नहीं पता है, एल मान लो, दोनों का एडिशन होगा इक्वल्स। स्पीड दिया है 120, लेकिन किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे है मीटर, वहां पे है सेकेंड, तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इंटू 5/18 करोगे, ठीक है, ये हो गया। इनटू टाइम कितना है, 24 सेकेंड्स है, यहाँ पे आएगा 24, 6 × 3, 6 × 4 आ जाएगा, यहाँ पे होगा 40, 3 से डिवाइड करोगे, 5 × 4 20 × 4 800 आ जाएगा यहाँ पे, 320 प्लस L, L का वैल्यू 480, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 800 माइनस 320, यहाँ पे होगा 480, ये हो गया मीटर में, लेकिन ये क्या मिल जाएगा, 480 क्या है, प्लेटफॉर्म का लेंथ है, ठीक है। अभी यही सेम जो प्लेटफॉर्म है जिसका लेंथ है 480, उसे कौन क्रॉस कर रहा है, मैन क्रॉस कर रहा है, तो मैन का तो कोई लेंथ नहीं होगा, तो फिर से हमें वही फॉर्मूला लेना पड़ेगा जो हमारा फॉर्मूला है बेसिक, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। लेकिन यहाँ पे अगर मैन क्रॉस कर रहा है प्लेटफॉर्म को, तो डिस्टेंस तो वही आएगा जो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 480, ये तो मीटर में है, कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। अभी स्पीड कितना है, स्पीड ही निकालना है, देखो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में चाहिए, लेकिन स्पीड तो एस लिख दो यहाँ पे। टाइम कितना है, 4 मिनट है, लेकिन ये हमें किस में चाहिए, मिनट में नहीं चाहिए, सेकेंड्स में चाहिए, तो 4 मिनट मतलब कितना सेकेंड्स होता है, 240, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो या तो वो भी चल जाएगा, 480 डिवाइडेड बाय 4 × 60 इक्वल्स टू स्पीड, तो स्पीड कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 8 × 4 × 2 हो जाएगा, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड मिल गया स्पीड ऑफ मैन, वही चाहिए था। मैम जो आपने 4 × 60 लिखा है, उसके जगह पे हम लोग 240 सेकंड डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं है। मैम हाँ बोलो, आपने 4 मिनट को सेकंड पे क्यों किया, मतलब ऐसा, क्योंकि जो बाकी सब है वो मीटर और सेकंड में है ना, और हमें क्या पूछा है, मीटर पर सेकंड, तो टाइम सेकंड में ही बोला उन्होंने, तो सेकंड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, मिनट में नहीं ले सकते ना, क्योंकि स्पीड हमें किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो सेकंड में चाहिए, तो टाइम तो सेकंड में ही आना चाहिए, अगर आर में पूछा होता तो टाइम को आर में कन्वर्ट करते। हाँ मैम समझा समझा।
ट्रेन्स स्टार्ट एट द सेम टाइम. वन फ्रॉम ए टू बी एंड अदर फ्रॉम बी टू ए. इफ दे अराइव एट बी एंड ए रिस्पेक्टिवली इन 4 hours and 9 hours, after they pass each other, the ratio of speed of two trains was इन्वर्स होगा, लेकिन कब होता है इन्वर्स? जब पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर करते हैं. लेकिन यहाँ पे जो टाइम दिया है वो पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए नहीं दिया है. मतलब दो ट्रेन निकल रहा है, कहीं पे मिलेगा, उसके बाद का टाइम दिया है. उसके बाद स्टेशन पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा, ऐसे आगे देखो. वो भी कंटिन्यूस है. हाँ, अच्छा देखो, क्वेश्चन में बोला है कि ना, देखो ए से बी, ठीक है, एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो सेम ही है यहाँ पे, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ सेम है. एक ट्रेन यहाँ से आ जा रही है, दूसरी ट्रेन यहाँ से आ जा रही है, ठीक है. दो ट्रेन्स है, यहाँ पे बोला है कि दो ट्रेन्स है, स्टार्ट एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम से स्टार्ट हो रही है, मतलब यहाँ से सेम टाइम पे चालू होगी, वहां से सेम टाइम पे वहां से चालू होगी. वन फ्रॉम ए टू बी एंड अदर फ्रॉम बी टू ए, मतलब एक ए से जा रही है, दूसरी बी से जा रही है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से जा रहे हैं, डिस्टेंस सेम है. और यहाँ पे क्या बोला है कि इफ दे अराइव्ड एट बी एंड ए रिस्पेक्टिवली इन 4 hours एंड 9 hours, लेकिन उसके बाद ये कंटिन्यूअस सेंटेंस है ये, आफ्टर दे पास ईच अदर. इसका क्या मतलब है कि एक ट्रेन यहाँ से यहाँ निकल गई, दूसरी ट्रेन यहाँ से यहाँ निकल गई, उसके बाद कहीं मिडल में कहीं पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे ये दोनों मिले ट्रेन, ठीक है, यहाँ पे मिल गए. तो उसके बाद बी जो है यहाँ से यहाँ जाएगा, ए जो है यहाँ से यहाँ जाएगा, उसके लिए हमें 4 hours और 9 hours दिया है. 4 hours और 9 hours किसके लिए दिया है? जब यहाँ पे पहुंचेंगे दोनों, और उसके बाद जब यहाँ से आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ से आ जाएगा, ये 9 और 4 होना चाहिए.
ठीक है, तो वहां पे उन्होंने बोला है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स वॉज, लेकिन रेशियो पूछा है, एक्चुअल वैल्यू तो नहीं पूछा है पहली बात, और स्पीड का रेशियो पूछा है। लेकिन वो जो हमारा इनवर्स वाला होता है जहाँ पे डिस्टेंस सेम होता है, हम क्या करते हैं, हमें अगर टाइम का रेशियो दिया है रेस में आ रहा होगा। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया, हो गया, स्टार्ट हुआ, ऑन हो गया। हाँ, 9:4 हो जाएगा, ठीक है, ये डायरेक्टली उल्टा होगा, 4 और 9 का है, लेकिन इतना डिफरेंस होगा कि ये रूट में आएगा, उल्टा तो होगा लेकिन रूट में उल्टा होके आएगा, क्योंकि आधा आधा मतलब कहाँ तक हो रहा है वो तो नहीं पता है हमें, कितना डिस्टेंस कवर किया है कि हम डायरेक्टली टाइम निकालेंगे वो नहीं पता है कि कहाँ पे आया है। आधा उन्होंने आधा टाइम बताया है कि मतलब यहाँ से कहीं तो यहाँ पे मिले हैं, उसके बाद कवर किया है तो उतना टाइम लगा है, पूरा टाइम बताया नहीं है। तो इसका एक ही मेथड है कि इसी मेथड से जाना पड़ेगा आपको, क्या करना है, जो टाइम दिया है डायरेक्टली उल्टा कर दोगे, उल्टा कर दिया तो वो रूट में रखना है, और यहाँ पे तो वैसे भी आपको स्क्वायर ही दिया होगा, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू देंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको स्क्वायर ही देंगे, तो यहाँ पे आएगा 3:4, ये हो जाएगा आपका स्पीड का रेशियो। मैम हाँ बोलो, ये उल्टा इसलिए हुआ क्योंकि वो देखो उल्टा तो इसीलिए हुआ है कि टाइम का दिया है हमें स्पीड का करना है, तो उल्टा तो करते हैं, टाइम का तो वैसे भी उल्टा होगा, टाइम का रेशियो दिया है ना, उल्टा तो करना पड़ेगा अगर स्पीड का चाहिए तो। हाँ वो प्रोपोर्शनेट होता है इसलिए ना। हाँ प्रोपोर्शनेट होता है इसीलिए, सही सही। और रूट में क्यों रखना है, क्योंकि टोटल नहीं दिया है, आधा एग्जैक्टली आधा भी नहीं, हमें पता ही नहीं कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो यहाँ तक कहीं ना कहीं आए उसके बाद पूरा, तो ये वाला का इसका क्या, इस टाइम का क्या दिया ही नहीं है वो। After they pass each other. क्वेश्चन का मतलब बता दो ना, वो नहीं समझ। अच्छा देखो उस क्वेश्चन का स्टार्टिंग से मतलब बता दी, देखो टू ट्रेन स्टार्ट एट दी सेम टाइम, ठीक है, मतलब ए से बी एक प्लेस है, डिस्टेंस जहाँ पे सेम है, एक ट्रेन यहाँ से आ जा रही है, दूसरी ट्रेन यहाँ से यहाँ पे जा रही है, ठीक है, एट दी सेम टाइम, वन फ्रॉम ए टू बी, मतलब एक ट्रेन है जो ए से बी तक जा रही है, दूसरी ट्रेन बी से ए तक आ रही है, इफ दे अराइव एट बी एंड ए रिस्पेक्टिवली, मतलब एक ट्रेन यहाँ से आ निकली है तो वो यहाँ तक पहुंचेगी, दूसरी ट्रेन यहाँ से निकली है वो यहाँ तक पहुंचेगी, इन 4 hours and 9 hours, मतलब एक यहाँ से आ जा रही है वो 4 hours, तो 4 hours लिख दिया, दूसरी ट्रेन यहाँ से आ जा रही है तो उसको 9 hours लग रहा है, ठीक है टाइम लिख दिया हमने यहाँ पे डायरेक्टली, लेकिन उसके आगे ही कंटिन्यूटी में क्या दिया है कि आफ्टर दे पास ईच अदर, मतलब ये जो टाइम दिया है ना वो यहाँ से आ जाने के लिए टाइम नहीं दिया है, आफ्टर दे पास ईच अदर मतलब कहीं ना कहीं मिडल में वो मिले होंगे, वो डिस्टेंस क्या होगा हमें नहीं पता, टाइम नहीं पता, स्पीड नहीं पता, बस कहीं तो मिडल में मिले होंगे दो ट्रेन, तो उनको मतलब एक ट्रेन यहाँ से यहाँ निकल गई, ठीक है यहाँ से यहाँ निकल गई, यहाँ पे एक ट्रेन आई, तो उसके बाद दूसरी ट्रेन यहाँ से यहाँ निकल गई, यहाँ पे एक ट्रेन आई, तो ट्रेन जो यहाँ पे खड़ी है उसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो दूसरी ट्रेन है उसको 9 hours लगा, एक ट्रेन यहाँ पे पहुंची तो यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुंचने के लिए उसे 4 hours लगा है, दूसरी ट्रेन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए 9 hours लगा है, इसीलिए रूट में रखना है दोनों को,
क्योंकि ये तो पहले टाइम दिया है तो टाइम का उल्टा तो करेंगे स्पीड के लिए, लेकिन वो रूट में क्यों आएगा? क्योंकि पूरा डिस्टेंस कवर नहीं हुआ है। पूरा डिस्टेंस कवर हुआ है लेकिन वो कितने टाइम में हुआ है वो कैसे पता चलेगा? वो तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है, इसीलिए वो रूट में रखना पड़ेगा ताकि हमें स्पीड का रेशियो आए। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या करोगे, जो टाइम दिया है वो डायरेक्टली उल्टा करोगे स्पीड के लिए, लेकिन वो रूट में रखोगे जब बोला होगा आपको, जब टाइम दिया होगा, जब वो दोनों मिडल में एक दूसरे को पास करती है उसके बाद का अगर दोनों का टाइम दिया है तो आपको उन्हें रूट में ही रखना होगा, उसी के बाद आपका रेशियो आएगा, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है और कोई वे। ठीक है, रूट में रखना ही पड़ेगा, डायरेक्ट 9 और 4 नहीं ले सकते आप, डायरेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ से यहाँ का टाइम नहीं दिया है। यहाँ से यहाँ का टाइम दिया होता तो 9:4 ही आता, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन यहाँ कहीं पे मिले है, लेकिन वो मिडल में भी तो नहीं है ना, कहाँ पे मिले वो भी नहीं पता, इसीलिए वो रूट में रखना ही पड़ेगा। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, रूट में रखना पड़ेगा, वो एक प्रॉपर फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला से ही आपको यहाँ पे जाना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन पहले समझ लो कि क्वेश्चन पूछा क्या है, हर टाइम पे आपको रूट में नहीं रखना है। जब दो ट्रेन पास होंगी उसके बाद का अगर आपको दोनों का टाइम दिया है तो ही ये फॉर्मूला से जाना है, नहीं तो जैसे हम नॉर्मल करते हैं जैसे 9:4 आएगा वैसे ही आना। और वैसे भी रेशियो पूछा, एक्चुअल तो पूछ भी नहीं सकते, रेशियो ही होगा क्योंकि और कोई वैल्यू दिया ही नहीं, रेशियो ही पूछेंगे ऐसे टाइम पे आपको, एक्चुअल नहीं पूछेंगे। और यहाँ पे जो वैल्यूज दिया होगा वो स्क्वायर स्क्वायर ही होगा, किसी ना किसी का स्क्वायर ही होगा, ऐसे ही वैल्यूज देंगे आप। रफ कर दूं? हाँ मैम। A truck cover 224 kilometer in 4 hours. The average speed of a bike is 1/4 of average speed of a truck. How much distance will the bike cover in 7 hours? मैम 98 है? नहीं, हाँ सही सही सही। नाइन्टी एट है ना? सही।
ट्रक था, और किसी का आया? मैम 98 98 सही है। लॉक कर दो। 98 है, सही है। प्रीलिम्स लाइना है सिस्टम। और ट्रक पावर 224 किलोमीटर इन 4 आवर्स, तो स्पीड मिल जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होगा, 224 डिवाइडेड बाय 4, यहां पे होगा 56, क्या होगा 56? 56 आगे क्या? आगे क्या? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ अ बाइक इज 1/4 ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक। मतलब हमें रेशियो दिया है बाइक और ट्रक के स्पीड का रेशियो। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो बाइक है इज इक्वल्स टू 1/4 द स्पीड ऑफ ट्रक। तो यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा आपको बाइक और ट्रक का स्पीड का रेशियो डिवाइडेड बाय, लिख दो या तो 1:4। अभी हमारे पास बाइक और ट्रक में से किसका स्पीड है? ट्रक का स्पीड मिला है 56, मतलब 4 का वैल्यू मिला है हमें 56, तो 1 का कितना होगा? 56 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, 14 किलोमीटर पर आवर। ये क्या मिल जाएगा? बाइक का स्पीड मिल जाएगा। हाउ मच डिस्टेंस बाइक कवर का 1 है और ट्रक का 4 है, तो हो गया ना 1/4 का मतलब। हाँ सही सही,
वाई का वन है और ट्रक का फोर है। उसके बाद ये क्या किया मैम आपने? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो ट्रक का हमें पता है ना 56, अभी ये ट्रक का दिया था, ट्रक का निकाला, ये ट्रक का है स्पीड, तो ट्रक का स्पीड कितना आया 56 आया, मतलब ये जो 4 है वो भी तो ट्रक का स्पीड है, मतलब 4 की वैल्यू कितनी है 56 है, तो बाइक की निकाल सकते हैं 1 की वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकते हैं ना, 56 डिवाइडेड बाय 4 14 मिल गया, बाइक का स्पीड मिल गया, बाइक का स्पीड मिला है, बाइक का टाइम हमारे पास है तो डिस्टेंस मिल जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा स्पीड इनटू टाइम, और ये तो किलोमीटर पर आर में है और ये आर में है तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 98 आ जाएगा, ये 98 किलोमीटर डिस्टेंस है इसीलिए। चलो the distance between two cities A and B is 330 किलोमीटर और ट्रेन starts from A at 8 a.m. and travels to B at 60 km per hour, another train starts from B at 9 a.m. एक सेकेंड करेक्शन कर लो ठीक है। A train starts from A at 8 a.m. and travels to B at 60 km per hour. उसके बाद है another train starts from B at 9 a.m. and travels to A at 75 km per hour. At what time do they meet? ठीक है ऐसा क्वेश्चन लिया है, अभी सबको आंसर आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन हुआ है हमारा।
2 hours मैम. 2 hours मैम. हेलो टू आवर्स सही है. किस टाइम पे मिलेंगे वो बताओ. 11 AM. 11 11 आएगा. हाँ मैम पक्का 11 आएगा. 11 या 10. 11 AM ठीक है सही है. चलो सबको आना चाहिए. ऐसा हुआ है क्वेश्चन हमारा वैसे ही करना है जैसे उस टाइप का किया था. 300 या 250 कुछ तो डिस्टेंस था उसका. माइनस किया था वो 250 था. चलो सबको आना चाहिए. बताओ वेरी गुड देवांशी सही है. और किसी का आया है तो 9 में 2 hours आ रहा है मैम. 2 hours आ रहा है सही है. टाइम क्या आएगा एग्जैक्ट टाइम बताओ. 11 AM. 11 AM वेरी गुड निकिता. और किसका आया था. वेरी गुड खुशबू. वेरी गुड आंसर सही है. विकास सबका आया है. हाँ मैडम 2 hours आया है तो 9 में दोनों स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं. किस टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं. दोनों के दोनों ट्रेन कहाँ से आपने स्टार्ट करवाया है. देखो जो माइनस किया है प्लस किया है किसको किया है. किसको आगे बढ़ाया है. 8 को 9 किया है या 9 को 8 किया है वो देखो. और उसके बाद ऐड करो उसमें
एट को नाइन किया, नाइन किया है तो नाइन हो गया ना, दोनों नाइन के टाइम पे चालू हुआ है आपका ट्रेन, तो नाइन में टू आवर्स ऐड होगा क्योंकि दोनों ट्रेन वही ऐड किया मैंने। हाँ तो इलेवन आएगा ना फिर। हाँ इलेवन ही बोला मैंने। हाँ इलेवन आएगा, सही है सही। अच्छा नाइन को एट भी करके डाल दो, बादल दोनों डाल दो। The distance between two cities A and B is 330 किलोमीटर है दोनों डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। और ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम A से एक ट्रेन स्टार्ट होती है, कभी स्टार्ट होती है 8 AM सुबह के 8 बजे 8 AM ठीक है स्टार्ट हो गया। एंड ट्रेवल्स टू बी एट 60 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे स्पीड भी दिया है 60 किलोमीटर पर आवर ठीक है। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट 9 AM मतलब दूसरी जो ट्रेन है बी से स्टार्ट हो रही है 9 AM को स्टार्ट हो रही है ठीक है 9 AM को स्टार्ट हो रही है। ट्रेवल्स टू ए मतलब बी से ए आ रही है, कितना स्पीड दिया है 75 किलोमीटर पर आवर दिया है ठीक है दे दिया है। उन्होंने पूछा है कि कब वो मीट करेंगे ठीक है। अभी बताओ 8 को 9 करना है या 9 को 8 करना है? 8 को 9, 9 को 8 दोनों भी बोल दिया मैम। 8 को 9 करना सिंपल रहता है ना। हां मैम 8 को 9 करो। 8 को 9 करना है, उल्टा नहीं जाना है, स्लो करते 8 को 9 एम तक जाना है ठीक है। तो यहां पे 1 आवर बढ़ेगा, दोनों में 1 आवर का डिफरेंस है, तो 1 आवर में ये जो ट्रेन है कितना चलेगी 60 चलेगी, तो यहाँ तक 60 किलोमीटर कवर कर लिया। तो यहाँ से यहाँ तक 60 है, यहाँ से यहाँ तक 330 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 330 माइनस 60 कर दोगे मतलब 270 ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ 270 होगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो मिल गया हमें है वो 270। अभी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट में ऐड होता है माइनस ऐड होता है, दोनों का एडिशन कर दोगे कितना होगा 135। और वैसे भी ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो जरूरत नहीं है ज्यादा करने की ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड होगा, ये तो डायरेक्टली टू आवर्स, ये तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्पीड इक्वल्स टू टाइम, तो ये टाइम आ जाएगा 2 आवर्स। टाइम तो आ गया लेकिन एग्जैक्ट टाइम पूछा होगा, तो क्या करना है जिस टाइम पे दोनों ट्रेन निकली है उसके बाद ही आपको ऐड करना है। दोनों की ट्रेन 9 AM को निकल रही है तो 8 AM का कोई लेना देना नहीं है, 9 AM को निकल रही है तो उसी में ही 2 आवर्स ऐड करोगे मतलब 9 AM प्लस 2 आवर्स हो जाएगा, मतलब कितना टाइम होगा 11 AM हो जाएगा, ये होगा आंसर 11 AM। मैम 135 कैसे है? 135 दोनों का एडिशन स्पीड का 60 प्लस 75 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करते हैं ना स्पीड, दोनों का एडिशन ही होगा ना।
किसी को डाउट है? मैम हाँ बोलो मैम, ए से ये ना 9 AM है ना वहाँ पर, हाँ? तो 60 का क्या होगा? देखो 60 क्या है आर से के किलोमीटर? 60 नहीं समझा, 60 क्यों आया ऐसे बोल रहे हो? क्योंकि 9 AM क्यों आया फिर? अगर 60 नहीं आया तो 9 AM भी नहीं आया, क्योंकि ये जो ट्रेन है वो 8 AM को निकल रही है, 8 AM को निकल रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि दोनों को 9 से 9 बजे निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे मर्जी से सब नहीं चलेगा, ठीक है? हमें चलवाना पड़ेगा यहाँ तक, उसके बाद ही डिस्टेंस लेना पड़ेगा। मतलब ये तो निकल रही है तो हम वो देखेंगे कि ये 9 बजे कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, 8 से 9 तक कितना डिस्टेंस कवर करेगी? स्पीड दिया है, इसका मतलब क्या होता है कि 1 आवर में 60 जाएगी, तो 60 कवर कर लिया होगा ना, समझा? इसीलिए ये माइनस कर दिया टोटल डिस्टेंस। हाँ, इसीलिए माइनस करके, हाँ यहाँ पे इसीलिए 270 आ रहा, समझा अभी? हाँ वो ही पूछ रही थी 60 सेकंड। हो गया ना लिख के सबका? हाँ चलो, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन टू पैरेलल ट्रैक बट इन अपोजिट direction, a person sitting in the train moving at a speed of 80 km/h passes another train in 18 seconds. If the length of another train is 1,000 meters, then find the speed
मैम हाँ आर्या बोलो आया आपका मैम स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकलना है स्पीड नहीं मीटर फाइंड स्पीड हाँ किलोमीटर पर आवर हाँ हाँ एक मिनट मैम 120 किलोमीटर पर आर 120 सही है किलोमीटर पर आर है ना सही है और किसी का आया किलोमीटर पर आर है जी स्पीड दी गई थी 80 किलोमीटर पर आर मत त्याच्या मध्ये ऐड केलं असेल मग ती ऐड केलेली किलोमीटर पर आर मध्ये असणार हाँ कितना आया आ रहा 120 ना 120 आ रहा है ना सही 120. है सही 120 किलोमीटर पर आर है वो मीटर पर सेकंड नहीं है ठीक है लेकिन आंसर सही है आपका देखो टू ट्रेन्स आर मूविंग हाँ इन टू पैरेलल ट्रैक ठीक है बट इन अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक ट्रेन यहाँ से आ जा रही है दूसरी ट्रेन यहाँ से आ जा रही है दो ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे अ पर्सन सिटिंग इन द ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर ठीक है तो कोई एक यहाँ पे एक ट्रेन है ठीक है जिसमें एक पर्सन है एक मैन है ठीक है यहाँ से आ जा रही है जो कोई भी ले सकते हो ये लो या तो ये लो कुछ फर्क नहीं पड़ता अ पर्सन सिटिंग इन द ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर तो यहाँ पे जहाँ पे पर्सन है उसका जो स्पीड है वो है 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया है पासेस अनदर ट्रेन तो ये जो ट्रेन है उसमें जो पर्सन है वो पर्सन दूसरी ट्रेन को पास कर रहा है
कितने सेकेंड्स में, 18 सेकेंड्स में वो दिया है, 18 सेकेंड्स में मतलब टाइम हमें मिल गया है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द अनदर ट्रेन, मतलब ये ट्रेन का नहीं बात कर रहे, अनदर ट्रेन ये वाली ट्रेन का बात कर रहे, उसका जो लेंथ है वो है 1000 मीटर, मतलब डिस्टेंस तो 1000 मीटर ही आएगा, क्योंकि ये जो ट्रेन है उसके डिस्टेंस से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैन क्रॉस कर रहा है, जैसे मैन क्रॉस कर रहा है मैंने क्वेश्चन लिया था वैसा ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैन जो क्रॉस कर रहा है वहां पे डिस्टेंस पूछा था, हमें यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया है, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। मैन क्रॉस कर रहा है ट्रेन को, तो जितना ट्रेन का लेंथ होगा वही हमारा डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे जो होगा वो 1000 मीटर आएगा, ठीक है। तो स्पीड क्या आएगा, स्पीड तो एक ही है, सेकेंड स्पीड पता है ये वाली ट्रेन की, हमें पूछा है तो वो निकालना है, एक तो पता है, तो हम क्या लिख देंगे 80, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पे 80 प्लस एक्स ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये दोनों का दोनों जो है ना वो किलोमीटर पर आर में है, तो बाहर से हम क्या कर देंगे, इंटू 5/18 कर देंगे, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा इंटू 5/18, क्योंकि बाकी सब जो है वो मीटर में है, सेकंड में है, तो ये भी मीटर पर सेकंड में चाहिए, लेकिन अंदर जो लिखा है वो किलोमीटर पर आर में, बाहर से हमने कन्वर्जन कर दिया है। इनटू क्या है, टाइम, टाइम तो दिया है 18 सेकंड्स, ठीक है, यही करना है, 18 18 कैंसिल हो जाएगा, ये जो फाइव है वो डिवाइड कर दो यहाँ पे लाके, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते मत बेटो, ये जो फाइव है वो डिवाइड कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 200 इक्वल्स टू 80 प्लस x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 120, लेकिन ये मीटर पर सेकेंड में नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो है वो किलोमीटर पर आर है, तो 120 भी किलोमीटर पर आर में ही आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, वही पूछा है, सेकेंड ट्रेन का स्पीड पूछा है, कितना होगा 120 किलोमीटर पर आर। अच्छा रिपीट करना है, देखो एक देखो क्या बोला है कि दो ट्रेन है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, एक ट्रेन यहाँ से आ जा रही है, दूसरी ट्रेन यहाँ से आप पे जा रही है, तो एक ट्रेन है, कोई भी ट्रेन मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैंने ये ट्रेन मान लिया कि यहाँ पे अ पर्सन सिटिंग इन दी ट्रेन, ठीक है, तो यहाँ पे कोई पर्सन है जो ट्रेन के अंदर बैठा है, पर्सन सिटिंग इन दी ट्रेन एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आर, तो यहाँ पे जो हमें स्पीड दिया है वो 80 किलोमीटर पर आर है एक ट्रेन का, और यहाँ पे अंदर पर्सन है, तो वो इनडायरेक्टली पर्सन का स्पीड भी तो 80 किलोमीटर पर आर हो जाएगा, और उन्होंने बोला है कि जो अंदर ट्रेन के अंदर जो मैन है, पर्सन है, वो दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, तो दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने के लिए 18 सेकेंड लग रहा है, मतलब टाइम तो हमारा 18 सेकेंड ही आ जाएगा, लेकिन उन्होंने बोला है कि पर्सन क्रॉस कर रहा है दूसरी ट्रेन को, तो ट्रेन क्रॉस नहीं कर रही है, पर्सन क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो सेकेंड, जिस ट्रेन को क्रॉस कर रहा है पर्सन उसी का ही होगा, तो यहाँ पे अगर 1000 मीटर है तो 1000 मीटर ही आएगा, ठीक है, 1000 मीटर आ गया, वो तो हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम हमने लिख दिया 18 सेकेंड्स। अभी स्पीड उन्होंने सेकेंड ट्रेन का पूछा है इसका, लेकिन पहले ट्रेन का दिया है, तो वो जो दिया है ट्रेन वो तो 80 किलोमीटर पर आर में है ना, तो यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आर प्लस क्या करना पड़ेगा, एक्स करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस एक्स करना पड़ेगा, क्योंकि
ये अपोजिट डायरेक्शन है इसीलिए ऐड होगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैंने कर दिया है एडिशन ऑलरेडी। इनटू क्या किया है 5/18 कन्वर्जन किया है दोनों का, ठीक है। तो भी बाहर से कन्वर्जन किया है लेकिन अंदर का जो होगा वो तो दोनों का दोनों किलोमीटर पर आर में ही होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये देखो 18 कैंसिल हो गया, 5 जो है वो डिवाइड हो गया, कितना हो जाएगा 200। यहाँ पे 80 प्लस एक्स, तो यहाँ पे 80 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 120 किलोमीटर पर आर। वो किलोमीटर पर आर में होगा, मीटर पर सेकेंड में नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे तो मीटर पर सेकेंड में भी मैं करके बताती हूँ। पहले ये लिख लो, हो गया सबका लिख के। मैम वो x क्यों आपने वहाँ पर डाला है 80 प्लस x? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होगा ना, ऐड तो होगा, ऐड तो होगा, पर वो x क्यों, मतलब वहाँ पर x क्यों आया वो मैं समझा। तो why loop? नहीं, x क्यों आया मतलब क्या बोलते हो, क्यों नहीं आएगा x, मतलब exactly आपका क्या क्या नहीं समझा आपने। बोलो, वहाँ पर स्पीड तो दिया है 80, टाइम भी दिया है 18 सेकंड का टाइम दिया, तो फिर तो हम लोग को वैसे भी तो उसको किलोमीटर को क्या मीटर सेकंड में कुछ करना, तो 5/18 किया तो 80 × 5/18 × 18 टाइम करेगा तो चलेगा नहीं, एक्स क्यों लिया वो नहीं समझा। नहीं 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 वो वैसे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन इसीलिए तो है ना, क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जब भी दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तभी हमारा स्पीड ऐड होता है, क्योंकि तभी वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं। सेम डायरेक्शन में जा रहे तो माइनस होता है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस जो कवर किया है वो इनडायरेक्टली माइनस हो जाता है स्पीड में ही, ठीक है। तो इसीलिए जब भी अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं ना तो हमें स्पीड ऐड ही करना पड़ता है, ऐड करना ही पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो माइनस करोगे, ठीक है मैम। बट इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे होगा, समझेगा कैसा? लिखा है ना, लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में, दिया रहेगा अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये किलोमीटर मैम, इसका किलोमीटर में मतलब मीटर में कन्वर्ट किया ना 5/18, तो आंसर एंड में किलोमीटर पर आर कैसे आएगा वो कंफ्यूजन है, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट में अभी इसीलिए मैं अभी आपको मीटर पर सेकंड का भी यहाँ पे करके बताऊंगी, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन है ना, तो अभी मीटर पर सेकंड से करेंगे हम। ये हो गया, बताओ सबका हो गया लिख, मैम हेलो, चलो मैम सुनो ना, यहाँ पर यहाँ पर कैसे दो ट्रेन ऐसे आ रही जा रही है ना सामने से, तो एक ट्रेन का दिया है मीटर 1000 मीटर है, हाँ? तो सेकंड ट्रेन का नहीं है ना, सेकंड ट्रेन का नहीं है और सेकंड ट्रेन का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैन क्रॉस कर रहा है, ट्रेन क्रॉस नहीं कर रही है ना। यहाँ पे बोला है जो पर्सन सिटिंग इन द ट्रेन, मतलब ट्रेन के अंदर जो पर्सन है वो क्रॉस करता है 18 सेकंड में, तो ट्रेन पूरा का पूरा 18 सेकंड में नहीं क्रॉस कर रहा है, पर्सन क्रॉस कर रहा है। इसलिए यहाँ पे अगर बेटा भी है, यहाँ पे अगर ट्रेन भी है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, हम समझा। इसलिए डिस्टेंस 1000 आएगा, क्योंकि एक पर्सन है वो ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे जो ट्रेन का लेंथ होगा वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि पर्सन क्रॉस कर रहा है। अगर ट्रेन क्रॉस करती तो दो ट्रेन का लेंथ लेते हैं ना हम, लेकिन पर्सन क्रॉस करेगा तो जो ट्रेन का लेंथ होगा वही डिस्टेंस हो जाएगा। पर पर्सन क्रॉस कर रहा तो इनडायरेक्टली यही हो जाएगा ना कि ट्रेन क्रॉस कर रही थी, पर्सन ट्रेन के अंदर बैठा है ना, नहीं लेकिन वो अंदर बैठा है, लेकिन वो 18 सेकंड जो दिया है वो पर्सन के लिए दिया है। अभी अगर ट्रेन क्रॉस करेगी तो उसका टाइम अलग होगा, सेम नहीं होगा, 18 सेकंड नहीं होगा, उसका टाइम ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ट्रेन को क्रॉस करने के लिए अलग ही टाइम होगा, टाइम ही अलग लगेगा वहाँ पे। अगर ट्रेन क्रॉस करके तो हम दोनों का दिया मतलब लेंथ
ऐड करते हैं दोनों का ऐड करते हैं दोनों का लेंथ होता है हाँ दोनों का लेंथ ऐड होगा जब सेम डायरेक्शन होने दो या तो अपोजिट होने दो जब भी दो ट्रेन क्रॉस करती है तो दोनों के ट्रेन का लेंथ का एडिशन एडिशन होता है हाँ दो ट्रेन क्रॉस करेगी तब भी लेकिन पर्सन होगा तो सिर्फ दूसरी जो ट्रेन जिस ट्रेन को क्रॉस कर रहा है उसका आएगा यहाँ पे लेंथ अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे तो डिस्टेंस हमारा 1000 ही रहेगा ठीक है यहाँ पे देखो डिस्टेंस 1000 आ गया हमारा जो स्पीड था वो क्या है 80 किलोमीटर पर आवर ठीक है अभी 80 को हम क्या करेंगे यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे मतलब इनटू 5/18 कर देंगे ये हो जाएगा कन्वर्ट ठीक है इनटू प्लस क्या कर देंगे x कर देंगे अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है मैंने 5/18 मतलब यहाँ पे कन्वर्जन हुआ है तो यहाँ पे x जो होगा वो मीटर पर सेकंड में होगा या किलोमीटर पर आवर में होगा बताओ किलोमीटर पर आवर में होगा या मीटर पर सेकंड में होगा मीटर पर सेकंड बोलो कोई तो बोलो x जो है वो किलोमीटर पर आवर में होगा या मीटर पर सेकंड में होना चाहिए क्या लग रहा है मीटर पर आवर किलोमीटर पर आर क्योंकि 80 वो किलोमीटर आ रहे हैं ना अच्छा क्यों कन्वर्ट किया ना अच्छा कन्वर्ट किया है पहले को कन्वर्ट किया है दूसरे को कन्वर्ट नहीं किया इसलिए दूसरे को कन्वर्ट वाला मीटर पर सेकंड ही रहेगा मीटर पर सेकंड रहेगा ये किलोमीटर पर आर नहीं रहेगा x क्या है हमें कुछ पता ही नहीं है x किलोमीटर पर आ रहे मीटर पर सेकंड है हमें नहीं पता हमने बस अजम्पशन कर लिया है कि हमारा अजम्पशन है कि x मीटर पर सेकंड मेरा अजम्पशन है मीटर पर सेकंड है अब क्या करोगे बोलो अब क्या करोगे देखो यहाँ पे जो 80 किलोमीटर पर आर है ना इसको कन्वर्ट कर दिया है हमने ठीक है तो हम अपने लिए मानेंगे कि x मीटर पर सेकंड है क्योंकि उसका कोई वैल्यू है ही नहीं उसका जो वैल्यू है उन्होंने दिया ही नहीं है वो किलोमीटर पर आवर में होगा या मीटर पर सेकंड में तो हम तो यहाँ पे अगर ऐड कर रहे हैं मैंने वही लास्ट क्वेश्चन में जब ये इसके पहले जो मेथड किया वहां पे भी मैंने वही सेम बोला था अगर आप कोई भी वैल्यू को ऐड करते हो तो जो ऐड करोगे वो किलोमीटर पर आवर में किलोमीटर पर आवर ही ऐड करोगे मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड ही ऐड करोगे तो यहाँ पे अगर कन्वर्जन किया है तो अगर आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे जो होगा वो मीटर पर सेकंड ही होगा किलोमीटर पर आर नहीं होगा क्योंकि ये जो है ये ऑलरेडी कन्वर्ट करके लिख दिया आपने वो कन्वर्ट कर दिया मतलब ये किसमें हो गया मीटर पर सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड प्लस मीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो मीटर पर सेकेंड का होगा इसीलिए मैंने प्लस करके डायरेक्टली बाहर से किया था कि बाहर से इंटू 5/18 क्योंकि अंदर जो ब्रैकेट में था 80 प्लस एक्स इंटू 5/18 ये तो किलोमीटर पर आर में था तो इसको अगर ऐड कर रहे हैं एक्स से तो ये भी तो किलोमीटर पर आर में होना चाहिए ना क्योंकि मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आर कभी ऐड ही नहीं हो सकता फिर आंसर गलत ही आएगा सही कभी नहीं आएगा अगर आप यहाँ पे मीटर पर सेकेंड लिख रहे हो तो अगर प्लस एक्स लिख रहे हो सिर्फ एक्स तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो मीटर पर सेकंड का ही आएगा वैसे ही यहाँ पे अगर आप प्लस एक्स कर रहे हो तो ये अगर 80 यहाँ पे दिया है किलोमीटर पर आर तो ऐड कर रहे हो एक्स को तो यहाँ पे जो आएगा वो किलोमीटर पर आर का ही आएगा इसीलिए बाहर से आप कन्वर्ट कर रहे हो 5/18 से समझा बोलो मैम हाँ बोलो
मैम ये मीटर पर सेकंड में आया ये तो समझा, लेकिन लास्ट में आंसर आते हो किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आर में कैसे आया तो वो नहीं समझ रहे। देखो क्यों आता है वैसे, ये जो 80 है ना वो क्या है, किलोमीटर पर आर में है, ठीक है। ये अगर हम किलोमीटर पर आर में लेते हैं तो अगर यहाँ पे जो ऐड किया है, ठीक है, ऐड किया तो वो ऐड क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर ही ऐड करेंगे ना। यहाँ पे जो एडिशन होगा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वो होगा 80 और एक्स में, तो अगर ये किलोमीटर पर आर है 80 तो ये भी तो किलोमीटर पर आर ही होना चाहिए, उन दोनों का ही एडिशन होना चाहिए। यहाँ पे अगर किलोमीटर पर आर 80 है तो उसे अगर ऐड कर रहे हो तो ये भी तो यहाँ पे अगर एक्स का जो भी वैल्यू आएगा वो किलोमीटर पर आर में आएगा इनडायरेक्टली, आपको यहाँ पे कन्वर्ट करने का जरूरत ही नहीं है, मीटर पर सेकंड में नहीं होगा क्योंकि 80 मीटर पर सेकंड में नहीं है इसीलिए, और उन दोनों को यहाँ पे ऐड कर रहे इसीलिए। तो यही मेथड से जाओ, ये मेथड इस मेथड से मत जाओ, वहाँ पे और भी कंफ्यूजन हो सकता है, यही मेथड से। मैम बट आपने बोला ना मैम, हाँ बोलो, आपने तो बोला ना मतलब कन्वर्शन करने के बाद दोनों का मीटर पर सेकंड में हो जाता है ना। श्रुति सानवी 512 को होस्ट बना दो। पूनम आप कुछ बोल रहे थे ना, हाँ मैम समझा। अरे इतना जल्दी समझ भी गया, हेलो मैम। हाँ मतलब मेरे को पता नहीं लेकिन ऐसा मतलब समझ लिया, मतलब फर्स्ट ट्रेन का है ना, हमको फर्स्ट वाला ट्रेन का कन्वर्ट किया लेकिन सेकंड का किलोमीटर पर आर में वैसा ही रहेगा, इसके लिए उसका आंसर किलोमीटर पर आर में आएगा, ऐसा है क्या? हाँ किलो, हाँ सही सही, इसीलिए बराबर है, ओके सही है। चलो अ मैन
completed certain journey by car. If he covered 30% of his journey at speed of 20 km/h and 60% of his distance at 40 km/h and then remaining distance at 10 km/h, then find the average speed of whole journey. मैम 25 किलोमीटर पर है। सही है। कितना आया बताओ? 25 मैम। 25 वेरी गुड निकिता, सही है। वेरी गुड वैधवी, और किसी का आया? वेरी गुड देवांशी,
देखो यहाँ पे डिस्टेंस आपको परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में दिया है डिस्टेंस। ट्राई करो जो एवरेज का फॉर्मूला बताया था मैंने, एवरेज स्पीड का, वो यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा आपको जहां पे डिफरेंस सेम नहीं है, डिस्टेंस सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब सबका डिफरेंस अलग अलग है, सबका स्पीड अलग अलग दिया है। और किसी का आया? देखो पड़ेगा एवरेज स्पीड का, आना चाहिए। वेरी गुड दीपाली, सही है। और किसी का आया?